डिस्क्लेमर, यह वीडियो एक सटायर है, नो एनडीटीवी इज हार्म्ड इन द वीडियो। एनडीटीवी ने पीएम को एक पत्र लिखा और उसमें कहा एनडीटीवी की बदनामी का अर्थ है भारत की बदनामी, तो इसे रोकिए। हैं? एक सेकंड, ये क्या बोला तूने? एनडीटीवी की बदनामी का अर्थ है भारत की बदनामी? अबे साले, सारा दिन भारत की बदनामी करके बोल रहा है, भारत की बदनामी नहीं होनी चाहिए। कैसे कर लेते हो बे? बदनामी तो भैया तुम्हारी रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। अभी डीडी के यानी दूरदर्शन के कंसल्टिंग एडिटर ने बोल दिया एनडीटीवी दूरदर्शन के टेप्स और इक्विपमेंट चुरा चुरा कर एस्टेब्लिश हुए हैं। सुना? क्योंकि एनडीटीवी दूरदर्शन की टेप्स चुराकर, जी हाँ मैं फिर कह रहा हूँ, एनडीटीवी दूरदर्शन की फुटेज चुराकर, फुटेज बेचकर, दूरदर्शन के इक्विपमेंट बेचकर एनडीटीवी चैनल लगा उसमें घुसखोर भास्कर घोष दूरदर्शन के महानिदेशक होते थे और वो सागरिका जी के ससुर हैं। अरे कम्युनिज्म, तू छुप जा भाई, तू छुप जा, तुझसे नहीं देखा जाएगा ये सब कुछ, तू छुप जा। और सबसे बड़ी बात, जिस इमेज की तुम बात कर रहे हो, मतलब तुम भी इमेज की बात कर रहे हो, तुम्हारा एंकर विष्णु सोम लादेन की डॉल रखता है अपने टेबल पर और उस सोम को बचाने के लिए रवीश कहता फोटोशॉप है, लेकिन सोम बच ना सका क्योंकि अमंगल हो चुका था। सोम मान चुका था कि मेरा गुड्डा है, उसे रवीश बचा रहा था। अबे जिसका एंकर लादेन का गुड्डा रखे, डेप्यूटी एडिटर पुलवामा के बाद हाउस द जैश बोले, वो इमेज की बात ना ही करे तो ही बढ़िया है भाई। अबे देख रहे हो विनोद, क्या कर रहे हैं ये? 2021 में एनडीटीवी ने एक आर्टिकल लिखा मोदी का क्रिटिसिज्म, अब विदेशी मीडिया भी कर रही है, तो इसलिए मोदी को अब इमेज की प्रॉब्लम हो रही है, एनडीटीवी वाले बोल रहे हैं ये। दूसरा आर्टिकल लिखा जिसमें कहा गया कि नई दिल्ली की छवि मैनेजर्स के लिए बुरा दौर, क्योंकि यूएस वाले दिल्ली को बुरी छवि में देख रहे हैं। वाह, ये सुनो सुनो, इधर आओ, ए सफेद कपड़ा इधर आओ, हाँ तुम ही बोल रहे, इधर आओ। विदेश में कौन क्या बोल रहा है उसे छोड़ो, तुम जानते हो तुम्हें तुम्हारे मुंह पे लोग क्या बोल रहे हैं? वैसे मुंह पे बोलते हैं तो जानते ही होगे। अच्छा ये बताना, नाम के आगे क्या लगा है तुम्हारे यहाँ, बताना एक बार, एनडीटीवी के आगे क्या लगा? बेटा रा रा रा। साला जो फ्रॉड करके बैठा हो और कोई उसे एक्सपोज करे तो उसके ऊपर केस करके उसे चुप कराने का प्रयास करता हो ना, वो इमेज की बात करता हो अच्छा नहीं लगता, देख रहे हो विनोद? तो चलिए आज बात करेंगे एनडीटीवी और एनडीटीवी के फ्रॉड्स की। द वोक शो, वर्ष 2008 एनडीटीवी के अकाउंट में 642 करोड़ रुपए आए। ये अमाउंट बरमूडा से चलते चलते अपने आप एनडीटीवी के अकाउंट में घुस गया। 8 वर्षों बाद 2016 में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जागा, नहीं मतलब जागा तो पहले भी होगा ही, पर बोलने की शक्ति नहीं जुटा पाया, और जुटा भी पाया तो चुप करा दिया गया। अब उस समय एनडीटीवी के अगेंस्ट बोलता भी कौन, मतलब जो मीडिया हाउस 25वीं वर्षगांठ राष्ट्रपति भवन में मना रहा हो, मतलब नॉर्मल कंपनी सोचती है चलो कोई ऑडिटोरियम बुक करा लेते हैं, इन्होंने कहा चलो राष्ट्रपति भवन ही बुक करा लेते हैं। देख रहे हो विनोद, एनडीटीवी में बिना बैठे कोई नेता मंत्री नहीं बनता था, साले फोन में बताते थे कि किसको कौन सा मंत्रालय मिलना चाहिए। राडिया टेप तो सुने होगे, मतलब सोच के देखो, एक मीडिया हाउस बता रहा है कौन नेता मंत्री बनेगा कौन नेता मंत्री नहीं बनेगा, देख रहे हो विनोद? Yeah, listen, the thing is that they need to talk to him directly. That's what the problem is. Apparently now the message from the other side is that why did Balu go public? They claim that at this point when they had offered them this formula and these guys said no, these guys never told them that we're going to withdraw support. I'm not withdraw support, outside support. Suppose I'm outside. Huh? So this apparently PM's really pissed off that they went public. But that Balu is doing, na? He didn't. That Balu was not instructed by Karuna Nidhi to do that. Actually, he was told to come away and tell Congress that. And he went and public, and this well, was the media was standing outside. और तो और 1998 में मडॉक अपना स्टार न्यूज इंडिया में नया नया लेकर आ रहा था, तो स्टार न्यूज और एनडीटीवी के बीच में ना डील साइन हुई $80 मिलियन प्रति वर्ष की, कि एनडीटीवी स्टार न्यूज के लिए कंटेंट बनाएगा और स्टार न्यूज उसे $80 मिलियन हर वर्ष देगा। डील पता है कहां साइन हुई थी? डील साइन हुई भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री इंद्र कुमार गुजराल के घर में। In 1997, when Rupert Murdoch came to India, Star News, NDTV signed a lucrative deal with them to say, we will create your programming for you for 5 years. Absolutely. Of course, I remember that. Yes. $80 million a year.
And guess where it was signed? It was signed in the house of the then Prime Minister, Mr. Gujral, Inder Kumar Gujral. देख रहे हो विनोद? हम सोचते हैं चलो आज कॉफी हाउस में मिल लेंगे और वहीं बिजनेस डील साइन हो जाएगी। ये सीधा प्रधानमंत्री के घर में डील कर रहे हैं। देख रहे हो विनोद? वैसे अब हालात ऐसे हैं कि प्रधानमंत्री इंटरव्यू, अरे प्रधानमंत्री छोड़ो, साला प्रवक्ता तक नहीं जाता है एनडीटीवी पे। आई एम नॉट एंटी मोदी, मोदी इज एंटी रवीश। हाउ डू बीजेपी हैज बायकॉटेड माय शो, दे डू नॉट अपीयर ऑन माय शो। तो भाई बुरा तो लगता होगा ना। देख रहे हो विनोद कैसे वक्त बदल गया, जज्बात बदल गए। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने पूछा है एनडीटीवी, बेटा जे क्या है, कैसे कमाया ये 642 करोड़ रुपया? एनडीटीवी ने पता है क्या उत्तर दिया? नहीं मतलब गैस मार के देखो क्या दिया होगा। अब एनडीटीवी ने कहा हमने सपना बेचा है, वी सोल्ड अ ड्रीम। मां कसम ये मैंने जोक नहीं बनाया है, जोक तो एनडीटीवी हम सबका बनाती रही है। हमने सपना बेचा, ये बात वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को बोल रहे हैं। साला सातवीं का बच्चा भी ये बहाना मारने से पहले 27 बार सोचेगा। इन्होंने ईडी के सामने बोल दिया ये सब। ये बात सुन के ना आईडी की हंसी छूट गई। एक अफसर के मुंह में पानी था, वो पानी की फुर्री मार दिए भाई ने इस चक्कर में, हंसने के चक्कर में। इन्होंने एक कंपनी बेची जो लॉस में थी, उसका शेयर प्राइस 45 रुपए का था, पर ये 45 रुपए वाला शेयर प्राइस बेचा गया 7,015 रुपए में, और पैसा शेल कंपनीज के थ्रू होते हुए पहुंचा कहां? एनडीटीवी में। देख रहे हो विनोद, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इरेगुलरिटी देखते हुए एनडीटीवी पर 525 करोड़ का फाइन लगा दिया। फिर दिल्ली हाई कोर्ट ने भी कहा कि एनडीटीवी को ये फाइन भरना पड़ेगा। सुन रहे हो विनोद? पर साला ये कोई अकेला फ्रॉड थोड़ी था, एक पूरी सैकड़ों पेजेस की बुक इस विषय पर लिखी जा चुकी है एनडीटीवी फ्रॉड्स के नाम से। इस पे तो पूरी डॉक्यूमेंट्री बन सकती है भाई साहब। देखोगे ना विनोद? ये देखो दूसरा फ्रॉड 54 करोड़ रुपए का, जिसमें प्रणय रॉय के पर्सनल अकाउंट में लगभग 54 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए RRPR होल्डिंग्स, यानी राधिका रॉय प्रणय रॉय होल्डिंग्स से। ये एक शेल कंपनी है और ये एनडीटीवी को कंट्रोल करती है, 26% स्टेक्स हैं इसके पास। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बताया कि स्टॉक एक्सचेंज में उस दिन 134 करोड़ का ट्रांजैक्शन किया गया और उससे 98% तक का प्राइस वेरी कर गया, और ये सब प्रणय रॉय राधिका रॉय को लाभ पहुंचाने के लिए किया गया, और ये सब मनी लॉन्ड्रिंग के अंतर्गत अपराध है, जिसके अंतर्गत 3 से 7 वर्ष की सजा दी जा सकती है। सुन रहे हो विनोद? और बातें करते हैं कार्ल मार्क्स के कम्युनिज्म की। वैसे कार्ल मार्क्स के पदचिन्हों पर ही हैं, उसने खुद कम्युनिज्म की बात की और बोला कि भारत पर अंग्रेज जो कॉलोनाइज कर रहे हैं वो सही है। ये कैसा कम्युनिज्म था बे? एक कंपनी है VCPL, जो कि मुकेश अंबानी के रिलायंस की शेल कंपनी है। प्रणय रॉय ने VCPL को NDTV के 26% स्टेक 350 करोड़ में बेच दिए, पर सरकार को दिखाया कि 350 करोड़ का मात्र लोन लिया गया है VCPL से। चलो जिस अंबानी को दिन रात गाली देते हैं, उस अंबानी की शेल कंपनी के साथ मिलके घपले किए जा रहे हैं। कैसे कर लेते हो बे? देख रहे हो विनोद? 26% शेयर जो बेचे वो भी प्रीमियम प्राइस पर बेचे गए। BSE के अनुसार तब NDTV की वैल्यूएशन थी 800 करोड़ रुपए की, और जो वैल्यूएशन लगाई गई वो थी 1346 करोड़ रुपए की, लेकिन सरकार को दिखाया गया हम तो बेचारे गरीब हैं, लोन ले रहे हैं। प्रणय रॉय ने खूब चिल्लाया कि नहीं नहीं, हमने कुछ गलत नहीं किया, पर सच्चाई अर्नब की तरह चीख रही थी। और एक दिन 150 मिलियन USD का घपला नीदरलैंड की शेल कंपनीज के रास्ते करने की बात को स्वयं NDTV के डायरेक्टर KVL नारायण राव ने स्वीकार कर लिया। देख रहे हो विनोद? 28 दिसंबर को पी गुरुज ने छापा कि KVL राव ने NDTV के फ्रॉड को स्वीकारा, पर 29 दिसंबर को NDTV का आर्टिकल आया कि पी गुरु झूठ बोल रहे हैं, राव ने कुछ नहीं स्वीकारा। 30 दिसंबर को पी गुरु ने NDTV के सभी क्लेम्स का तथ्यात्मक उत्तर दे दिया। ये सब देखने के लिए हम फुल्ले लेकर बैठ रहे थे, तुम भी देख रहे हो ना विनोद? एक 3,000 करोड़ का घपला फेमा के अंतर्गत भी है। ये 903 करोड़ का घपला है और ये 6000 करोड़ का हवाला का घपला है। भैया घपले पे घपले हो रहे हैं और पाठ पढ़ाए जा रहे हैं कार्ल मार्क्स के। दुनिया सोचती थी कि कोई NDTV देखता तो है नहीं, फिर भी साले चल कैसे रहे हैं, ऐसे चल रहे हैं। तो आज इसी विषय पर बात करने के लिए हमने NDTV से किल्विश कुमार को बुलाया है, और किल्विश कुमार को बुलाने की वजह है NDTV इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कहता है कि हमने सपना बेचा। किल्विश रोज रात को 9 बजे पब्लिक को सपना बेचता है मोदी चला जाएगा।
मैंने कमेंट पढ़ा था, झुम्मन कह रहा था कि मोदी चला जाएगा, अब्दुल का पंचर बुलबुले बना रहा था और बुड़बुड़ा रहा था मोदी चला जाएगा, दो चिट्टी आपस में बात कर रही थी, मैंने चैंटा बन के उनकी बातें सुन ली, मुझे विश्वास है चला जाएगा। तो वेलकम करते हैं किलविश कुमार का। तो किलविश जी, एनडीटीवी ने इतने फ्रॉड किए हैं और तो और उनके फ्रॉड्स के ऊपर एक पूरी बुक लिखी जा चुकी है, तो आप क्या कहेंगे इस पर? ये सब फोटोशॉप है। किलविश जी, स्कैम कैसे फोटोशॉप हो सकता है? हिसाब से तो मैं भी जर्नलिस्ट नहीं हो सकता हूँ, पर हूँ ना। पर किलविश जी, आपका चैनल पूरा दिन समाजवाद कम्युनिज्म की बातें करता है, पर स्वयं इतने बड़े घपले करता है, मनी लॉन्ड्रिंग करता है। कम्युनिज्म क्या है? कम्युनिज्म एक बबलू है, विक्की हैप्पी के पहले बबलू ही प्यारा नाम था, इसलिए कम्युनिज्म बबलू है। बबलू 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 बबलू, देखो भाग गया है बबलू, अक्कड़ बक्कड़ बबलू, वो टीवी पे कम्युनिज्म बोल दो। मेरा काम यही है बबलू, दोष निकालता सबका बबलू, कार्ल मार्क्स का भाई है बबलू, फिर बन जाता देखो डब्लू, डब्लू यानी विनर। वह कैसे कर लेते हो बे, एक सपना बेच रहा है, दूसरा बबलू बन रहा है और पब्लिक इनको देख भी रहा है, बेरोजगारी सच में बढ़ गई है भाई। तो भैया, स्कैम्स की इतनी बड़ी लिस्ट चल रही थी, पर सबसे अचरज की बात यह थी कि एक मीडिया कंपनी यानी एनडीटीवी, जिसका एक टेलीकॉम कंपनी यानी एयरसेल से कुछ लेना देना नहीं है, पर फिर भी उसके स्कैम में एनडीटीवी का नाम है, ये तो भैया ना भूत ना भविष्यवादी बात थी। मतलब जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे एनडीटीवी, देख रहे हो विनोद? एयरसेल नेक्सस, वो जो फाइनेंस मिनिस्टर पी चिदम्बरम वाला घपला है वही वाला, उसमें एनडीटीवी का भी नाम है। एयरसेल एक भारतीय कंपनी थी जिसमें विदेशी कंपनी मैक्सिस एफडीआई के थ्रू पैसा लगाना चाहती थी। मैक्सिस वो कंपनी थी जिसमें सऊदी टेलीकॉम का पैसा ऑलरेडी लगा हुआ था, और सऊदी टेलीकॉम का पैसा उधर से पाकिस्तान टेलीकॉम में भी लगा हुआ था। मतलब एक ऐसी कंपनी जो पाकिस्तान टेलीकॉम भी चलाती है, वो भारत की एक टेलीकॉम कंपनी भी चला रही थी एफडीआई के थ्रू। The parent company Maxis had an investment from Saudi Telecom, and Saudi Telecom had also invested in Pakistan Telecom. So, for sure, if all these things were mentioned, then the Ministry of Home Affairs, even in the UPA regime, would not have given them permission. पहली बात तो ये जांच नहीं हुई जबकि होनी चाहिए थी। फिर एयरसेल मैक्सिस की जो डील थी वो 3500 करोड़ रुपए की थी। अब उस समय का भारत का नियम था कि 600 करोड़ के ऊपर की जो भी एफडीआई प्रपोजल है वो सीसीईए यानी कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के थ्रू ही सैंक्शन होगी, और 600 करोड़ से नीचे का जितने भी प्रपोजल हैं वो फाइनेंस मिनिस्ट्री अपने आप अप्रूव कर सकती है। पर भैया, पाकिस्तानी कनेक्शन था तो अप्रूवल मिलता नहीं, तो दिखाया गया कि 3500 करोड़ की डील है ये ही नहीं, बस 180 करोड़ की है, और फाइनेंस मिनिस्ट्री इसे अप्रूव कर देती है। बदले में कार्दी चिदम्बरम को 40 मिलियन डॉलर्स मिलते हैं, लेकिन वो सीधा नहीं मिलते हैं, मिलते हैं वो एनडीटीवी के थ्रू, ऐसा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के श्रीवास्तव ने सीबीआई को अपने लेटर में लिखा है। 88 पेज का वो लेटर है, देख रहे हो विनोद? और भैया, ऑडेसिटी है इनकी इस लेवल की कि ये दूसरे मीडिया हाउसेस को गोदी मीडिया बोलते हैं। अबे तुम एक पॉलिटिकल पार्टी के साथ मिलकर स्कैम कर रहे हो, अब कैसे कर लेते हो बे? कम्युनिज्म, तू छुप जा भाई, तुझसे ये सब नहीं देखा जाएगा, तू छुप जा। गोदी मीडिया, गोदी मीडिया, गोदी मीडिया, गोदी मीडिया के सहारे करोड़ों लोग इतिहास की दैनिक पढ़ाई कर रहे हैं। मतलब एनडीटीवी, कांग्रेस और बाबू लोगों के बीच की जो साठ गांठ थी ना, वो गजबे थी। एनडीटीवी में आपको जॉब चाहिए तो आपके पास बड़े बाबू का या मंत्री का लेटर होना चाहिए। राजदीप सरदेसाई एक ऑर्डिनरी व्यक्ति था, 7000 रुपए की जॉब थी, टाइम्स ऑफ इंडिया में काम कर रहा था एज अ स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट, कोई टीवी का एक्सपीरियंस नहीं था उसे। पर एक दिन एक लड़की सागरिका घोष को राजदीप सरदेसाई पसंद आ गया और उनकी शादी हो गई। सागरिका घोष के पिता दूरदर्शन के बड़े अधिकारी थे, शादी होते के साथ ही राजदीप को एनडीटीवी ने हायर कर लिया सीधे 75,000 की सैलरी पे। मिस्टर राजदीप सरदेसाई वाज एन ऑर्डिनरी पर्सन डिस्पाइट बीइंग द सन ऑफ मिस्टर दिलीप सरदेसाई द फेमस क्रिकेटर वाज डूइंग ए ऑड जॉब ऑफ स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट विद टाइम्स ऑफ इंडिया ऑन ए सैलरी ऑफ अबाउट 6,000-7,000 रुपीज अ मंथ।
luck has had it, the only child of Mr. Bhaskar Ghosh, Mr. Bhaskar Ghosh has only one child, and that child took fancy of him and decided to marry him. In 1994, she married him, and as soon as he got married to the only daughter of the reigning Information and Broadcasting Secretary, who was also former Director General of the Doordarshan, the Indian television, government television. Immediately, NDTV went on to hire him on a salary of around 75,000 rupees, almost 10 times. And till then, Mr. Rajiv Sardesai had no knowledge of television. सुन रहे हो विनोद, 7,000 से सीधा 75,000 पे। तो जी, इसी विषय पर चर्चा करने के लिए आज हमने स्टूडियो में बुलाया है नोएडा के अट्टा गांव से गुमड़ी को और बादशाहपुर गुरुग्राम से सूसा को। गुमड़ी जी, ये बताइए गुमड़ी कौन से अंग पे हो रही है? तेरा कहा मतलब है बातें? तू अपने सवाल कर रहे टू? मारे दे पूछ ले, टीवी पे बताने की जगह ना है, फोटो है मार दो रहा है, इसको फोटो है अच्छे का, अरे व्हाट्सएप कर दूंगा थर्ड तक। अरे ओ भाई, डिलीट कर दवा, और तुम अपने काम के सवाल पूछो ना। ये एनडीटीवी के इतने स्कैम पकड़े गए, आप फिर भी इन्हीं के गीत गाते रहते हो, क्यों? स्कैम तो भैया खानदानी लोग करे कर रहे हैं, उनमें दम है तो वो कर रहे हैं, प्रधानमंत्री की गोदी में तो ना बैठे कम से कम। हाँ भाई, तुम गोदी में थोड़ी बैठो, तुम तो सीधे मानव रॉकेट पे बैठो। भैया रॉकेट की बात है तो मत ना करे, यहाँ दूसरे लोग मैगसेसे जीत रहे हैं और तुम तो दूसरे गंदगी बक रहे हो। मैगसेसे पाछे लेके आई तो तेरे गुमड़ी हुई है। ओ मेरी भैया के सारे, मैं बताऊं तो मेरी मेरी गुमड़ी के पीछे पड़ गया, कहाँ मेरी चप्पल। गुमड़ी भूल गया था कि चप्पल टीवी से बाहर नहीं आएगी, बल्कि टीवी ही टूट जाएगा। अब भैया एनडीटीवी को टच करने का अर्थ था हम भी पहले गए हैं, तुम भी पहले जाओगे। प्रणय रॉय अपने लेवल को पीएम फाइनेंस मिनिस्टर से कम नहीं समझता था। इज व्हेन एनडीटीवी वाज अनटचेबल इन गवर्नमेंट, नोबडी वुड हैव डेयर्ड। प्रणय रॉय वेरी एरोगेंटली यूज्ड टू से दैट हिज लेवल इज प्राइम मिनिस्टर मिसेस सोनिया गांधी, मे बी ही कैन कम डाउन टू अ लेवल ऑफ मिस्टर चिदंबरम बट नॉट बिलो। कम्युनिज्म बेटा, तू छुप जा, तुझसे ये सब नहीं देखा जाएगा। जो एनडीटीवी सबको पेल रहा था 2016 तक, वो एनडीटीवी स्वयं पेला जा चुका था। एसके श्रीवास्तव ने एनडीटीवी की पोल 2005 से खोलनी प्रारंभ की थी और उसके बाद षड्यंत्र रचे गए और श्रीवास्तव के ऊपर रेप मोलेस्टेशन के चार्जेस लगा दिए गए। चिदंबरम ने इनकी ट्रांसफर कर दी दिल्ली से मैंगलोर, करप्शन चार्जेस लगा दिए गए और इवेंचुअली 2019 में श्रीवास्तव को बर्खास्त कर दिया गया। देख रहे हो विनोद? अब जी, श्रीवास्तव की रिपोर्ट के आधार पर मधु पूर्णिमा केशवर ने एनडीटीवी के फ्रॉड्स को रिपोर्ट करने का प्रयास किया और साथ साथ ये भी बताया कि कैसे सुमना सेन, जो कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में है और अभिसार शर्मा की पत्नी है, और अभिसार शर्मा जो एनडीटीवी के एम्प्लॉय हैं, अचानक अभिसार शर्मा की सैलरी 43 लाख रुपये से बढ़ जाती है और कहा जाता है कि इस पैसे से आप हॉलीडे वॉलीडे मना के आओ और बदले में सुमना सेन जो है वो एनडीटीवी के टैक्स का केस हैंडल कर लेती हैं। बात यहां तक पहुंची कि सुमना सेन और आशिमा नेव ने श्रीवास्तव पर मोलेस्टेशन के चार्जेस लगा दिए। ये सब मधु पूर्णिमा ने अपने आर्टिकल में लिखा है। अब इस आर्टिकल के बाद एनडीटीवी ने मधु पूर्णिमा पर केस कर दिया, 5 वर्षों तक कोर्ट के चक्कर कटवा कर केस वापस ले लिया और कहा हम ना जर्नलिज्म पर फोकस करना चाहते हैं इसलिए केस वापस ले रहे हैं, जबकि एनडीटीवी ने फ्रॉड की बातें स्वयं मान ली थी। देख रहे हो विनोद? टी गुरुज ने भी एनडीटीवी के फ्रॉड्स को एक्सपोज किया और एनडीटीवी ने उनके ऊपर भी केस की धमकी दे दी। उन्होंने कहा कर दे, जहां करना चाहे कर दे, हमारे पास बहुत तगड़े प्रूफ्स हैं और हर चीज को जो भी हमने लिखा है उस सब के प्रूफ्स हमारे पास मौजूद है। कम्युनिज्म, ओ कम्युनिज्म, भैया ये सब देख के टहली लिए लग रहे हो। तो जी, ये थी कहानी एनडीटीवी और एनडीटीवी के फ्रॉड्स की। अब भाई, जो रोज आपको ज्ञान पेलते हैं उनके बारे में ज्ञान भी तो सुनना चाहिए ना। अब ये ज्ञान आपने सुन लिया तो बाकी सबको सुनाइए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए। और ये थी कहानी इस हफ्ते की वोक शो की। अगले हफ्ते नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। दैट्स इट फ्रॉम माई साइड।